नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वाधिक आपका जो क्वेरी है वो जॉब से रिलेटेड है, चेंज करने के योग के बारे में, या यूनियन लाइन और यहाँ पर गुरु पर्वत जो टिल्टेड है सैटर्न की ओर। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपका जो गुरु माउंट है डेवलप्ड अच्छा है, सैटर्न की तरफ बहुत माइनर लेवल पर टिल्टेड है, यानी पूरा का पूरा टिल्टेड नहीं है। इसमें हो ये रहा है कि सैटर्न माउंट को एरिया कम मिल रहा है और सैटर्न माउंट थोड़ा ज़्यादा यानी 75% अप्रोक्स दबा हुआ है। तो इस कारण से पूरा गुरु माउंट को हम यहाँ पर टिल्टेड या नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। ओवरऑल देखें तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जज कर सकते हैं, आप पाएंगे कि सैटर्न माउंट यहाँ पर ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है और वो भी गुरु के कारण नहीं हो रहा है, तो इसलिए टेंशन फ्री रहें। सैटर्न माउंट जब अभी आपको खुद ही रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि जब गुरु माउंट इस प्रकार से यहाँ पर जब टिल्टेड होता है शनि की ओर, तो ये मैरिज में बहुत बड़ी बाधा लाता है या मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहती है। मैरिड लाइफ में इश्यूज, प्रॉब्लम, और साथ ही साथ मैरिड लाइफ ही नहीं लेकिन जो पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन है, उसमें माता पिता जो आपके उच्च पद अधिकारी होंगे उनसे या आपके शिक्षकों से, इन सबसे रिलेशन आपके कहीं ना कहीं बिगड़ जाते होंगे। अगर ऐसा है तो गुरु फिर टिल्टेड है, इसे हम नेगेटिव मान सकते हैं। लेकिन जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो इस कारण से काम सारे बनते हैं लेकिन देरी से बनते हैं। अब जैसे यहाँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात करें तो भाग्य रेखा देखिए चेंजेस होने के साथ में चल रही है, लेकिन है तो सही कंटिन्यूस। तो ये भाग्य रेखा बताती है कि अर्निंग लाइफ टाइम आपकी होती रहेगी, मनी से रिलेटेड या फेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है देरी में कि कोई भी काम रुक रुक करके होता है, देरी के साथ होता है, या उस काम को लेकर के मेहनत या जूझना ज़्यादा पड़ जाता है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पक्ष ज़्यादा भारी है या किसका अफेक्ट आप अपने लाइफ में ज़्यादा देख रहे हैं। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि सैटर्न का अफेक्शन लाइफ में आप ज़्यादा फील कर रहे होंगे एज कंपेरिजन टू गुरु। दूसरी बात यहाँ पर आपकी जॉब चेंजेस की है, तो देखिए आपके लाइफ लाइन में तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज ज़्यादा शो नहीं हो रही है। येस, अप्रोक्सीमेटली 31-32 के एज के बाद से लाइफ लाइन में अच्छा चेंजेस यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके पहले लाइफ लाइन थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ यानी एक प्रकार से ब्रॉड होकर के चल रही है, बिखर के चल रही है, लेकिन उसके बाद से एक सिस्टमेटिक वे में स्मूथ होकर के बाहर की ओर और जा रही है, जो कि फॉरेन ट्रैवलिंग के योगों को एवं जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योगों तक को भी बताते हैं। लेकिन ये योग कब बन रहा है? 31 के एज के बाद से ये प्रोग्रेस लाइन हल्की सी यहाँ पर निकली है। उसके बाद से आपके फेट लाइन पर बहुत अच्छा चेंजेस दिखा है। ये जो फेट लाइन पर एक रेखा ओवरलैपिंग के साथ ऊपर की ओर जा रही है, ये जो एज निकल के आता है ये अप्रोक्सीमेटली 29 से 31 के बीच में ये इंडिकेशंस होते हैं कि इस दरमियान कहीं ना कहीं प्रोफेशन या करियर में आपके चेंजेस होने वाला रहेगा। तो वो जो आप जॉब चेंजिंग की बात कर रहे हैं तो वो आपके लिए सुटेबल और कंफर्टेबल रहने इसलिए वाला है क्योंकि ये लाइन एट द एंड माइंड लाइन पर आकर के रुक गई है। उसके बाद जो ओवरलैपिंग के साथ ये लाइन गई है ये सीधे सैटर्न तक पहुँच रही है। तो जो सेकंड जॉब अभी आप चेंज करेंगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी उस जॉब को लेकर के, और ग्रोथ भी उसमें बहुत अच्छा आपको मिलेगा। अब यहाँ पर जो थर्ड आपकी क्वेरी थी वो है आपका यूनियन लाइन को लेकर के। तो यूनियन लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर यूनियन लाइन आपका कंपेरेटिवली सीधे चल रहा है। ये जो नीचे की शाखा झुकी है ये बहुत ज़्यादा धुंधली है, तो इसका जो परिणाम है वो तकरीबन ना के बराबर समझिए। और खासकर देखा जाए तो डोमिनेटिंग हैंड में आपके 2 से 3 रेखा हैं और जो अनवर्किंग हैंड है उसमें भी 2 रेखा है। जब ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो मैरिड लाइफ कंपेरेटिवली स्टेबल देखने को मिलती है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ऊपर से ये बहुत अच्छा योग माना जाता है जब एक हाथ में एक मेन यूनियन लाइन हो, जैसे कि आपके हाथ में ये देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरे हाथ में 2 रेखा यूनियन की हो, तो ऐसे लोगों को जीवन साथी सर्वगुण संपन्न मिलते हैं। ये एक प्रकार का भाग्यशाली योग माना जाता है। तो इसलिए मैरिड लाइफ ओवरऑल देखा जाए तो प्रोग्रेसिव, सबसे मेनली प्रोग्रेसिव देखने को मिलती है। तो ये जरूर बेशक ये साइन आपके हाथ में पहले डेवलप बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, लेकिन ये रेखा अब धीरे धीरे धुंधली हो रही है। और अगर ये रेखा धुंधली ना हो रही हो, ऐसे ही थोड़ी बहुत दिख रही हो, या इन फ्यूचर अगर मान के चले कि ये गाढ़ी भी हो जाए या स्ट्रांगली दिखने भी लग जाए, तो इसका रिएक्शन सिंपल रहेगा कि जो आपके स्पाउस रहेंगे उनसे थोड़ा अनबन, मतभेद, उतार चढ़ाव चलते रहेगा, लेकिन आप दोनों के बीच कभी भी दूरी आएगी नहीं, क्योंकि वी सिंबल कभी भी दूरी को इंडिकेट नहीं करता है, कभी भी डिवोर्स या ऐसे किसी भी प्रॉब्लम इशू को नहीं बताता। यस, थोड़े बहुत एफ्लिक्ट होते रहते हैं मेरिड लाइफ में, वो सबके लाइफ में चलते रहता है। और यहाँ पर जो नीचे की रेखा आई है ये
दो चीज़ों को इंडिकेट करता है। सबसे पहला कि जो स्पाउस रहेंगे वो कहीं ना कहीं पावरफुल या डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे, दूसरा वो थोड़े अट्रैक्टिव भी रहेंगे, तो उनका दबदबा थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। दैट्स इट। अगर ये रेखा इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती भी है तो, अदरवाइज नहीं होती है, सीधी ये रेखा जा रही है, तो फिर दोनों एक दूसरे को समान अवधा अपने जीवन में देंगे, बैलेंसिंग होकर के दोनों चलेंगे, ऐसा योग का निर्माण हो रहा है। तो चलिए अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के प्रिडिक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के लेंथ के विषय में बात की जाए, तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। कुल मिलाकर के एनालिटिकल पर्सनैलिटी ठीक रहेगा, सोच विचार के काम करना, किसी के अंडर में रह करके भी अच्छे से काम कर लेना या अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेना, पेशेंस लेवल आपके अंदर कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, हर काम को सोच विचार के, और एक प्रकार से अपने साथ हमेशा सप्लीमेंट्री लेकर के भी चलेंगे कि जैसे एक काम नहीं हो पा रहा है तो उसकी कंपैरिजन में दूसरा काम हो ही जाए या दूसरा काम बन ही जाए। तो मतलब इसको सप्लीमेंट्री को हम प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन अपने लाइफ में हर चीज़ को लेकर के आप चलते रहेंगे। बाकी यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुँची है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अफेक्टेड होता है, जैसे कई मरतबा मन में बात रह जाना या फिर अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट। अदरवाइज थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है तो विल पावर के साथ साथ रिस्क टेकिंग नेचर आपका अच्छा रहने वाला है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा, रॉयल्टी अपने लाइफ में अच्छी मेंटेन कर पाएंगे, और सूर्य कारक होता है यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटी और क्रिएटिविटी का भी, तो कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि भी आपके अंदर देखने को मिलेगा जिसको अगर आप निखारते हैं तो नेम फेम के चांसेस उस कारण से आपके अच्छे बन जाएंगे। बाकी ओवरऑल देखें तो फिंगर में बहुत माइनर सा गैप है, कोई मेजर इशू नहीं होता इससे, लेकिन फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा की अपेक्षाकृत आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा है, जिसके कारण रिलेशन बनते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं दूरी हो जाती है, टूट जाते हैं या किसी न किसी वे में एक प्रकार से अनबन मतभेद के योग बनते हैं। हालांकि आगे चल के फाइंड करेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, गुरु का झुकाव शनि की ओर ज़्यादा है जो वैराग्य की भावना लाता है, यानी खुद को समय देना, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना, लोगों से थोड़ा दूर रहना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, ऐसे योग बनते हैं। बाकी फैलेंजेस फिंगर के डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है, शारीरिक गठन खान पान ब्लड से रिलेटेड थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, तो इस पे थोड़ा अत्यधिक ध्यान देवें, योगा करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थम के साइज़ की बात करें तो थम का साइज़ यहाँ पर नॉर्मल है और फर्स्ट फेलेंज की लेंथ ज़्यादा है सेकंड फेलेंज से, तो विल पावर आपके स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। यव का साइन है तो ग्रेसिपिंग स्किल कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, सिक्स्थ सेंस अच्छा देखने को मिलेगा, इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे या धार्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्शन आपका बढ़ता रहेगा और सिक्स्थ सेंस भी इम्प्रूव अच्छा होगा। और यहाँ पर थंब जो है थोड़ा सा एडजस्टिंग देखने को मिल रहा है, तो समय परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट अपने आप को आप कगर यहाँ पर कर लेने वाले रहेंगे, लेकिन रिश्तों को लेकर के ज़्यादा एडजस्टमेंट आपसे हो नहीं पाएगा। बाकी यहाँ फर्स्ट फेलेंजेस पर आड़ी रेखा धनवान होने का भी सूचक होता है, और यहाँ देखें पाम के साइज़ में तो पाम का साइज़ स्क्वेयरिश हैंड में कन्वर्ट ज़्यादा हो रहा है, जो हार्डवर्किंग नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखेंगे तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा या ऊर्जा अच्छी रहती है, प्लानिंग नॉर्मली करते हैं, एक्शन अच्छा खासा लेते हैं, कई मरतबा ये होता है कि एक्शन ले लेते हैं फिर थिंकिंग करते हैं कि सही हुआ या गलत हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन चलते रहेगा लाइफ में। लेकिन ये है कि हमेशा जीवन जीने की इच्छा, हमेशा लाइफ स्टाइल को और ज़्यादा बेहतर करने की इच्छा, रॉयल्टी रखने या लग्जरीज लाइफ को बनाए रखने की इच्छा आपके अंदर बरकरार रहेगी शुक्र और चंद्र के कारण। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो गुरु का माउंट ओवरऑल देखा जाए डेवलप ठीक है, आत्मसम्मान की भावना आपके अंदर अच्छी रहेगी, आड़ी रेखा यहाँ पर आपको धार्मिक बनाएगी और आगे चल करके NGOs या सोशल वर्क करना ये भी यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, एक प्रोग्रेस लाइन गई हुई है, उसी के कंपैरिजन में लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, तो ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। आपकी जो थिंकिंग है हमेशा हाई रहेगी, हाई अप्रोच आप की लाइफ में रहेगा, यही रीज़न है कि निरंतर आप अपने लाइफ में बढ़ते ही जाएंगे, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते ही जाएगा, नॉलेज गेन होते ही जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं है। तो गुरु अच्छा आपको नॉलेज भी देगा, अच्छा एडवाइज़र भी बनाएगा, अच्छा गाइडर भी बनाएगा और हर प्रकार की सुख सुविधाओं का भी लाभ उठाने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटन माउंट में यही है कि थोड़ा पर्वत दब गया है, बाकी इधर भी कोई इशू नहीं है, डबल ट्रिपल लाइन चल रही है और शनि पर भी एक से अत्यधिक रेखा है, तो धन जीवन में हमेशा बना रहेगा, कोई उसमें कमी नहीं है। सूर्य और शनि के बीच की ये रेखा अच्छे एडवाइज़र को गाइडर को इंडिकेट करती है, आपकी राय दूसरों के लिए अच्छा फल देने वाली रहेगी। सूर्य माउंट डेवलप ठीक है, तो इस कारण से जो एक प्रकार से आत्म सम्मान के साथ साथ आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी
अच्छा रहेगा। फेट लाइन से सूर्य रेखा निकल रही है लेकिन टूटी हुई है, यानी सीधी सी बात है फोकस में कहीं ना कहीं कमी है। अदरवाइज देखा जाए तो अंततः सूर्य रेखा भी वी सिंबल बनाया हुआ है, तो इस कारण से इसे यशस्वी योग कहते हैं, जिसके कारण स्ट्रगल के बाद लाइफ में सक्सेस 101% रहने वाले रहेंगे। नेम फेम की बात करें तो वो भी प्रॉपरली, यानी रिस्पेक्ट आपको आपके कार्य क्षेत्र में और समाज में भी अच्छे से मिल पाएगा, और अच्छा पावर अथॉरिटी आपके अंडर में भी रहने वाला रहेगा। तो सूर्य रेखा में कोई ऐसी कमी नहीं है। बात करें मर्करी माउंट की, तो मर्करी माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है, लेकिन मर्करी लाइन एक प्रकार से मेडिकल सिग्माटा का साइन क्रिएट करता है, जिसके कारण बोलचाल की कला अच्छी होती है, हीलिंग क्वालिटीज़ अच्छी होती है। आप किसी के दर्द को बहुत जल्दी समझ सकते हैं, अपने बातों से दूसरों को कन्वेंस अच्छा कर सकते हैं, या लोगों को बांधे रखने की क्षमता आपके अंदर अच्छी है। तो इंडिपेंडेंटली वर्क करके भी लाइफ में ग्रोथ अच्छा मिलेगा, और एक प्रकार से हंसमुख हास्य कवि नेचर भी यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल एक प्रकार से गुड एंटरटेनिंग और अट्रैक्टिव नेचर को भी इंडिकेट करता है। फेदर रेखा के अंत में गोपुज की आकृति है, तो फ्लर्टी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मेनली ये इंडिकेट करता है, और आपकी हार्ट लाइन डबल लाइन के साथ यहाँ चल रहा है, और कुछ नीचे की ओर भी रेखा आ रही है, तो ये मूड स्विंग के इशू को या फिर कह सकते हैं कि इमोशंस फीलिंग्स में बार बार होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करता है। बाकी यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन इस प्रकार से निकलते हुए मेनली यहाँ पर ऊपर की ओर उठी है और सैटर्न पर आकर के रुकी है। कुछ सहयोगी शाखा गुरु से कनेक्टेड हो गई है। बेसिकली देखा जाए तो मनी पर कंसर्न या फोकस लाइफ में आपके ज़्यादा रहने वाला है, खुद को लेकर के ज़्यादा या करियर को लेकर के ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, लेकिन कुछ जो सहयोगी रेखा यहाँ पर गुरु से कनेक्टेड हो गई है, ये थोड़ा इमोशनल वहीं सिंपथेटिक नेचर भी आपको देगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑनेस्ट और लॉयल पर्सनैलिटी को ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो हृदय रेखा में से एक शाखा आपके निकल के यहाँ पर मंगल पर भी आई है, यही एकमात्र रीज़न है कि आपका रिलेशन टूटता ज़्यादा है या उसमें दूरी दरमियान बढ़ती है, क्योंकि जब इस टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो एग्रेसिव नेचर को ये इंडिकेट करता है। एग्रेशन बहुत ख़राब रहेगा, कब क्या बोल देंगे, कब क्या एक्शन ले लेंगे या कब क्या रिएक्ट कर देंगे, गुस्से में पता नहीं रहता है, तो इसीलिए गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। हालांकि ये मांगलिक योग को भी निर्माण करता है, अदरवाइज देखा जाए तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हाइपर जल्दी हो जाना वैसे योग भी डेवलप होते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है, क्योंकि आपके हार्ट लाइन में से भी कुछ रेखा नीचे की ओर जा रही है जो इमोशनल सेटबैक को भी बताती है कि पैसा किसी को उधार देंगे तो मिल पाना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी हार्ट से रिलेटेड यानी हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। माइंड लाइन इंडिपेंडेंट चल रही है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़िद्दीपन को व्यक्त करती है। आपका ज़िद बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और किसी भी हालत में अपनी ज़िद की आप पूरी करने वाले भी रहेंगे। बाकी माइंड लाइन में अच्छी बात यही है कि ये लॉन्ग है, कंटिन्यूस चल रही है, कोई ब्रेक या प्रॉब्लम ऐसी मेजर इसमें नहीं है, तो कंटिन्यूस लाइफ में आप नॉलेज गेन करते रहेंगे। साथ ही साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, टू द पॉइंट बात करना, सीधे बातचीत करना एवं सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा। लॉजिकल नेचर में भी बढ़ोतरी होती रहेगी, जिसके कारण प्रैक्टिकलिटी अच्छी बढ़ेगी और पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में भी सक्षम रहेंगे। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव साइन अपने में देखा जाता है, और लाइफ लाइन में स्टार्टिंग लाइफ से ही कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जब से ये प्रोग्रेस लाइन 30+ एज के बाद से स्टार्ट हुई है तब से आपकी रेखा बाहर की ओर भी जो है मूव करने लगी है और फिर बाहर की ओर जा रही है। तो विदेश यात्रा या जन्म स्थान से दूर जाने के योग अच्छे हैं, और मैरिज के भी योग 31-32 के एज के अप्रोक्स में बहुत अच्छे, क्योंकि उसके बाद से जो गार्जियन एंजल लाइन ये आई है ये अंत तक चल रही है, जो बताती है कि जो स्पाउस रहेगा उसका जो सहयोग है, उनका जो सपोर्ट है आपके लिए हमेशा बना रहेगा, और उनका साथ हमेशा एंड एट द एंड तक रहेगा, और उनके सपोर्ट के कारण जो भी ट्रबल या हर्डल है वो कम होगी, और जो एम्बिशन है वो भी आपका फुलफिल यानी ड्रीम डिज़ायर भी कम्प्लीट होगा। बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छा ये। तो जब इस प्रकार के साइन हो तो कैसे कह सकते कि गुरु या फिर यूनियन लाइन कहीं ना कहीं एफिलेक्टेड है, तो बाकी आप समझ सकते हैं बात को। हाँ, अंदरूनी मंगल थोड़ा मैं नेगेटिव जरूर मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल्स लाइन भी आपकी निकल रही है, ये नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं मंगल से थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहा है, और मंगल से ही रिलेशन पर भी ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली अफेक्ट पड़ता है। तो मंगल की पूजा करा ले या कुंडली में मेनली ये आंसर आपको निकल पाएगा कि क्या इशू मंगल से आ रहा है। बाकी पाम के अकॉर्डिंगली मंगल से प्रॉब्लम तो है, बाकी बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो उधर से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हिम्मत जुनून हौसला अच्छा देखने को मिल रहा है। शुक्र माउंट नॉर्मल है यहाँ पर, और यहाँ देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा है जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएगी, उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। बाकी केतु माउंट की बात की जाए तो केतु पर डिवाइडेड है लाइफ लाइन, ट्रैवलिंग अच्छी इस कारण से रहेगी। भाग्य रेखा में चंद्र की रेखा भी जुड़ी हुई है, तो फॉरेन लैंड से बेनिफिट मिलने के चांसेस भी ब्राइट है, और फॉरेन कंपनी में
भी आपको जो है ग्रोथ प्रोग्रेस अच्छा मिल पाएगा। आड़ी यहाँ की रेखा विदेश यात्रा, एक दो रेखा हो तो ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होता है, एक स्क्वायर का साइन भी क्लियर कट बन रहा है, तो यहाँ पर यह कंफर्मेशन है कि बर्थ प्लेस से दूर आपकी खुद की प्रॉपर्टी बनने वाली रहेगी। बाकी मनी ट्रायंगल ओपन है तो धन जीवन में अच्छा आएगा, रोक पाने में थोड़ा सा कम सक्षम रहेंगे, पर मनी आपके पास ज़्यादा समय तक रुकेगा नहीं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेफ्ट पाम में यहाँ पर आपका देख लेते हैं मेनली फेट लाइन को, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी फेट लाइन थोड़ी ब्रॉड होकर के चल रही है, फिर आगे चल करके यानी अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पर 35 प्लस एज के बाद से स्मूथली चल रही है, और मल्टीपल लाइन, मल्टीपल लक लाइन भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है अप्रोक्सीमेटली 37 माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली। तो 35 से 37 के बाद से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखा जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा ओपन है ये, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा आएगा उसको सदुपयोग करिए। और जैसे मंगल की रेखा चल रही है तो इन्वेस्टमेंट करिए, आपका लैंड प्रॉपर्टी बनने के चांसेस ब्राइट हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।